जो इवेंट है, आपने मरी क्लेयर ब्रांड के बारे में सुना ही होगा, उसका ये लॉन्च हो रहा है सैलॉन वेलनेस और एकेडमी में। मरी क्लेयर एक वर्ल्ड वाइड बहुत पॉपुलर ब्रांड है मैगजीन्स में, बट लोगों को ये नहीं मालूम कि इसके बहुत सारे वर्टिकल्स भी हैं, क्लोथिंग में, फैशन में, सनग्लासेस और दूसरी एक्सेसरीज़ में। बट इंडिया में अभी हम इसको वेलनेस और एकेडमी में लेके आ रहे हैं। सैलॉन, अगर आपने मरी क्लेयर के बारे में पढ़ा होगा या सुना होगा, वर्ल्ड वाइड मरी क्लेयर इज़ ऑल अबाउट व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या। उसका मतलब ये है कि वो जानते हैं कि अपनी ब्रांड को हमेशा कॉम्पैक्ट कैसे रखना है, क्रिएटिव कैसे रखना है, इनोवेटिव कैसे रखना है। तो वी आर मेकिंग श्योर दैट यू नो वी हैव इनोवेटिव आइडियाज़ विच आई कॉन्ट शेयर विद यू राइट नाउ, विच विल बी यूजिंग टू कीप आर ब्रांड अप टू द मार्केट। अनोखा चीज़ ये है जो हमारी अकेडमी है, आईवा अकेडमी, यूजुअली जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, ठीक है, एंटर करने के लिए या कोर्सेज करने के लिए। बट इस अकेडमी में कोई भी बच्चा एंटर कर सकता है, एलिजिबल है टू डू द कोर्सेज इन ब्यूटी एंड फैशन एंड यू नो सैलॉन्स। I'm sorry. How it is possible to get this brand in India? Well, it was a hard job, let me tell you the truth. we first met with the B2C network about 1 year before, and we start working about feasibility study, as is normally done. So we wanted to match the brand name with this project. And definitely we understood that this project was very well matched with our brand name. So because we were already in the market with products, fashion product basically, then we found very, very exotic and very exciting to get into this business. So it took us 1 year to define the structure, to define the business model, and to define the investment. And definitely we match with these great people. सोहा अली खान, आप सभी जानते हैं, बहुत ट्रेंडी हैं, हमेशा फैशन में रहती हैं, शी इज़ रियली स्टाइलिश वुमेन, और इस तरह के ब्रांड्स के लिए स्टाइलिश सेलिब्रिटी होना बहुत ज़रूरी है, और जो इसमें बहुत फिट बैठती हैं, इसीलिए हमने उनको अप्रोच किया। एंड वी आर प्राउड, वी आर हैप्पी दैट शी अग्रीड टू इट। थैंक यू। थैंक यू जी। I would like to say that I am here because of Vithal and because of Sachi, and yeah, so largely I am here because of them. And yeah, Sajna Savarna किसको पसंद नहीं है, और मैं तो खैर आपने देखा ही है मुझे, मैं तो लड़की भी बन सकता हूँ, आप बताइए बस। ओके, तो पर्सनल लाइफ में आप सैलॉन जाना कितना पसंद करते? नहीं, मुझे नहीं लगता मैं बहुत ज़्यादा सैलॉन जाता हूँ, लेकिन हाँ, जनरली आपने मेरे शोज में तो मुझे देखा ही है कि सारे के सारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जो लेडीज़ इस्तेमाल करती हैं, वो सारे मैं अपने आप पर इस्तेमाल कर चुका हूं और करता रहता हूं, तो मेरे लिए तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो हाँ, ओके सर, तो कोई अभी आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट जो आ रही हो शेयर करना हो? अभी तो एक पार्टनर्स नाम का शो सब टीवी पे कर रहा हूँ, वही चल रहा है। इसके अलावा अभी तक कुछ नया फाइनल नहीं हुआ है, कुछ होने वाला है, जैसे ही होगा मैं आपको बताऊँगा। हाँ हाँ, करना चाहेंगे, क्यों नहीं है, वेब सीरीज़ क्यों नहीं करना चाहेंगे। एक्चुअली डिजिटल कंटेंट बड़ा अच्छा बन रहा है आजकल। मैं तो टेलीविज़न करते करते जितने अपने दोस्तों को देखता हूँ डिजिटल वर्ल्ड में, मुझे देख के बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत एक्सपेरिमेंटल चीज़ें बन रही है, कुछ ऐसी चीज़ें भी बन रही है जो हम टीवी पे नहीं बना पाते, या फिर ऐसी भाषा बोली जाती है डिजिटल में जो यहाँ पे भाषा, मतलब नॉट इन अ नेगेटिव वे, मतलब इन अ वे के कुछ ऐसे टॉपिक्स, नहीं फ्रैंक भी नहीं, मतलब मैं तो वो बैड लैंग्वेज की भी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि कुछ ऐसे टॉपिक्स जो एक आम जनता टीवी पे ना देखे, तो हम वो एक्सपेरिमेंटल स्टफ़ जो डिजिटल पे होता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो कहीं ना कहीं मैं भी जुड़ना चाहूँगा। अभी तक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म या ऐसी कोई चीज़ मुझे मिली नहीं जिसकी वजह से मैं जुड़ूँ, पर जल्द जुड़ूँगा। थैंक यू सो मच। एक मिनट सर, सही सर।
पर्सनल लेवल पे एक्चुअली सलोन मैं बहुत ही रेयरली जाता हूँ, सिर्फ एक ही काम के लिए जाता हूँ जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत पड़ती है, वो मसाज। तो मैं मसाज रेगुलरली करवाता हूँ बिकॉज़ दैट इज़ समथिंग जिससे मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, बिकॉज़ हम लोग इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं और जब आपको मेंटल स्ट्रेस होता है तो आपको मस्कुलर स्ट्रेस भी होता है। तो मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, मेंटली रिलैक्स होने के लिए मैं मसाज के लिए स्पा जाता हूँ, बट सलोन के लिए नहीं जाता हूँ। अभी तक भगवान की इतनी कृपा है कि अभी तक सलोन जाके कुछ कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। नो, आई डोंट अग्री विद दैट कम्प्लीटली। अनलेस यू रियली नीड टू डू समथिंग फॉर एनीथिंग स्पेसिफिक और स्पेसिफिक रोल, यू रियली डोंट नीड टू गो टू स्पास और सलोन्स रेगुलरली, बिकॉज इफ़ यू, आई मीन आई विल टॉक फॉर माई सेल्फ, आई डोंट टॉक फॉर एनीबडी एल्स। मैं क्योंकि इतना डिसिप्लिन लाइफ जीता हूँ, आई लिव अ वेरी वेरी डिसिप्लिन लाइफ। आई वेक अप एट 5:30 इन द मॉर्निंग, आई डू माई प्रेयर्स, आई डू माई प्राणायाम, आई डू माई ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, आई एम अ प्योर वेजिटेरियन। सो वेन आई लीड माई लाइफ विद सो मच ऑफ डिसिप्लिन एंड सो मच ऑफ कंट्रोल ओवर सो मेनी अदर थिंग्स, आई थिंक इट बिकम्स ईजी टू सॉर्ट ऑफ फील गुड, look decent enough and avoid going to the salon and spending money there. Okay, recently your so what kind of response are you getting? Teriyada has been getting phenomenal response and I am very very happy that people are liking it. It's a romantic number, but also at the same time there is the video that I've made you know is in contrast with the kind of music it is. It's a love song, but usme there is a there's a mafia story that has been told, but there is a love story in that mafia story that has been told, and it's like a short musical film, you know. So people are really loving the concept, they are really falling in love with the video and the story, which was the idea, and I think I've succeeded in doing that. Okay, recently there was an international web series project. That is true. That's true. I can't divulge much details about that at the moment, but all I can tell you is that I'm doing this web series with a Hollywood production which is based out of Sydney, and it's a story that is going to be shot in Sydney. It's a story on the mafia gangsters operating out of Sydney. Sir, abhi filhal Bollywood mein casting couch ke bare mein bahut sari jee मैं यही कहूँगा कि कास्टिंग काउच एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस से आ सकता है। मुझे इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ नहीं है अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली आज तक, तो मैं उसके ऊपर कमेंट करूँ तो मेरे ख्याल से वो गलत होगा। बट अगर किसी ने एक्सपीरियंस किया है और वो उसके बारे में बातचीत करता है तो मेरे हिसाब से वो जस्टिफाइड होगा, बट मैंने क्योंकि आज तक ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करी है तो उसके अगर ऊपर मैं कमेंट करूंगा तो शायद जस्टिफाइड नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राजेश, बिंदु, सुधांशु पांडे, टिक्कू जी, थैंक यू सो वेरी मच। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव यू ऑल गाइज इन द बार। टेक केयर, बाय बाय। सो गिव अप योर हैंड्स एज लाउड एज पॉसिबल for the lady, for the gorgeous princess we have with us, Soha Ali Khan, everybody, let's hear it. Welcome, ma'am, and what a pleasure to have you here. What a pleasure. Thank you so much. Well, ma'am, first of all, I must say, before asking you anything, I'm going to ask all of them one question. How excited are you to see this gorgeous lady on stage over here? Tell me with your claps. They're a very polite audience. Thank you. Well, ma'am, we have a couple of questions that we got over here that we'd like to ask you. Okay. No formal interview. This is just a simple... No general knowledge quizzes. Yes, no. Okay. So, ma'am, first of all, I'd like to ask you, how do you feel like
standing right here with this beautiful brand over here that you have? I'm so excited because actually I spent a lot of time growing up in England and I was an avid reader of Marie Claire. And I'm of course aware of the fact that it's mainly known as a magazine, but as Vandanaji said, there's so many other verticals that it has now branched out into. And I've been a consumer of so many of those, both in England, and then I was so excited when a few years ago they came to India. But to be here and to be on stage and to be celebrating the fact that they are actually, entering the world of, wellness, and they're starting an academy to train people, to make us look as beautiful as we can, is a wonderful thing that I'm looking forward to. And I was so excited to learn that India is the first place, and this is going to be the first salon of its kind. And I'm so excited that they've chosen India and that we'll be able to actually avail of this wonderful expertise that they have to share. So I want to, of course, congratulate Marie Claire. I want to thank them for making me a part of their celebration. I want to also congratulate Vandanaji for taking this on. And I hope that there are many franchisees that will join her in this partnership, B2C and all of their franchisees. I'm very excited for them. And I know that, of course, what's most important is that it's going to generate a lot of employment. And it's an exciting field to enter into beauty and makeup and hair and styling and all of that. So I think there's going to be a lot of people who are going to benefit from this partnership. So thank you again for making me a part of this venture tonight. Well, ma'am, my next question, which everybody wants to know the answer of here. Which salon do you go to? If you want the truth, then I have Bharti and Arjun who come home to me. That's the truth. But what's lovely about salons is there is a bit of loyalty that you have when you grow up going to the same place. And I've grown up in Delhi, so I know there was a place in Vasant Vihar that I went to growing up. What I like to do is I've been very loyal to Bharti, and since she's not here, I can tell you that I am looking forward to trying out some new services. So I know they're going to be about 100. Of these franchisees that are going to open up in partnering with Marie Claire Paris. So I'm hoping that one of them is close to Bandra, which is where I stay. And then I'm very happy, but nobody is allowed to tell Bharti. Well, ma'am, going a little bit more functionally with the brand and with the entire idea of the vocational training, how much do you think that this particular business has a potential in a country like India? I think it absolutely does, especially when it comes to this field. Firstly, as a profession, we all know, growing up with Indian parents, through the ages, one has generally been told to either be a lawyer, an engineer, or a doctor. But I'm so excited that at least this generation is trying out so many wonderful new creative fields and embracing things like styling, hair and makeup. And it's also very lucrative. I work in a field where you work with a lot of people who are stylists and who are experts in these fields. And they do require some training, some high-class training. So the fact is that it is in many ways a disorganized sector as well. And the fact that, you'll have Marie Claire Paris Salon opening up here and starting an academy will give it some more organization, will give it some more expertise and some more training. And I know there are going to be a lot of people who are going to want to benefit from that. Myself, of course, as a consumer, but certainly people, whether it's the brand, whether it's the business, whether it's employees, there are going to be a lot of people who will benefit. Well, that I'm very sure about. So, ma'am, do you think, and would you say that the vocational training would increase the youth to be more self-sufficient in the country? I think it'll certainly give people options. And as I said, I know a lot of people want to do this as a profession, and they're looking for someone to give them the wings to do that. And this is one step in that direction. So absolutely, vocational training is something that will help them to achieve their dreams. And I do wish them, all of them who are entering this field, all the very best. Great. So, ma'am, any more words that you'd just like to wish or you'd like to say to the B2C network? No, I want to say, Vandanaji, I'll see you at the bar. And all the best to all of you. Thank you. Thank you so much, ma'am. It was such a pleasure Thank to have you. You and I hope Thank you enjoy you so the much. Rest of the Thank evening. Thank you. Thank you very us. Much.
Well, when you have a gorgeous face on stage, I'm sure that, you know, they all want to catch the glimpse of it.